नमस्कार बच्चों, आज हम हाल की मात्रा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक है, कक्षा पहली का विषय है हिंदी और वो विषय है आपकी मात्रा। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, अक्षर जोड़ किसके, आपकी मात्रा के। ठीक है, अ को आपकी मात्रा जमा म आ म, इन ये वर्ण है, अक्षर है। अक्षर और मात्राओं को जोड़कर हम शब्द बनाएंगे, इसको बोलते हैं अक्षर जोड़। ह को ह जमा आ की मात्रा जमा थ हा थ, ये वाला हाथ अपना हाथ। म जमा आ की मात्रा जमा थ जमा आ की मात्रा मा था, म को आप मा थ कुआ था। ठीक है बच्चों, माता इसको बोलते हैं जो अपने सिर पे, वो सिर के आगे होता है, ये सिर है, सिर के आगे माथा है, जहाँ पे हम टच करेंगे, ये देखो मैं टच कर रही हूँ, ये अपना माथा है। ठीक है, ग को आपकी मात्रा ग जमा आपकी मात्रा जमा ज जमा र, ऐसे आपने अक्षरों को जोड़ना है और शब्द बनाना है, पढ़ना सीखना है। जैसे ये मात्रा लगी है तो ये ग को लगी है, ज को नहीं लगी है, क्यों, क्योंकि आ की मात्रा अक्षर के बाद में ही आती है। देखो आ की मात्रा हमने यहाँ पे अ के बाद लगाई है, तो ये आ की मात्रा अक्षर के बाद ही आती है। ठीक है, आगे ग को आ की मात्रा ज जमा र गा ज र, गाजर कौन सी होती है, खाने वाली, लाल रंग के खाने वाली सब्जी होती है ये, एक तरह के। आगे अब हमने ये क्या किया है, अक्षर जोड़ दिया है, ये जो अक्षर थे इनके साथ हमने आ की मात्रा जोड़ी है तो शब्द बना है, और यही शब्द आगे हम और करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि अक्षर को जोड़ने से शब्द बनता है। और न को आ की मात्रा र अनार, ठीक है बेटा, और प को आ की मात्रा ल क पालक। आगे है स म को आ की मात्रा च च को आ की मात्रा र, पहले हम ये दोनों जोड़ेंगे, स म को आ समा च च को आ र चार, फिर हम दो और दो दोनों को जोड़ेंगे, समा और चार समा चार, समाचार किसको बोलते हैं, जैसे अखबार में खबर समाचार आते हैं, न्यूज़पेपर में टीवी भी आते हैं, मोबाइल्स पे आजकल आने लग गए हैं, तो जो खबरें आती हैं उनको बोलते हैं समाचार। ठीक है बेटा, पगवा छ पाठ, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर करेंगे शगुआ लगुआ शाला पाठ शाला, ऐसे अलग अलग करके अगर आप जोड़ोगे तो आपको शब्द बनाना आ जाएगा। पाठशाला, पाठशाला किसको बोलते हैं, स्कूल को, जिसमें हम पढ़ने जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे इन्हीं शब्दों को अगर हम अनार बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, अनार की पिक्चर तस्वीर आती है, पालक बोलते हैं तो पालक की तस्वीर आती है, समाचार है समाचार की तस्वीर आती है, हम खबरों अखबारों में देखते हैं टीवी पे देखते हैं तो वो समाचार है। पाठशाला, अगर पाठशाला पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में वो पाठशाला की तस्वीर आती है। ठीक है, इसी तरह हम ये तस्वीरों के नाम लिखेंगे जिससे शब्दों का हमें ज्ञान अच्छे से होता है। जब हम तस्वीर देखते हैं तो वो शब्द अपने आप अपने दिमाग में आ जाता है, जैसे क्या है, बादल, देखो बड़े आराम से ही हमें पता चल गया है ये तो बादल है, बकवा द ल बादल। ठीक है, आगे ये क्या है, माला, पिक्चर देखते समय पता चल जाता है, तस्वीर देखते ही हमें पता चल जाता है ये क्या है, तो माला है, बकवा बकवा माला। आगे ये क्या है, बोल बोल बताओ सब बच्चे, टमाटर, तो टर मकवा टर टमाटर। ठीक है बच्चों, पिक्चर की ऐसी शेप होती है जिससे हम सब चीजों को पढ़ सकते हैं।
किससे